वाराणसी के औरंगाबाद हाउस का नाम आते ही जो चेहरा सबसे पहले सामने आता है वो है पंडित कमलापति त्रिपाठी का। त्रिपाठी परिवार के पंडित कमलापति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। पुरानी काशी औरंगाबाद मोहल्ले में त्रिपाठी परिवार का भवन है। मोहल्ले के नाम पर काशी की राजनीति में इसका नाम औरंगाबाद हाउस पड़ा। हाउस से पूर्वांचल की राजनीति ही नहीं बल्कि विकास की रणनीति भी तैयार होती थी। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी आया करते थे। कमलापति के पुत्र लोकपति 5 बार विधायक रहे जबकि बहू चंद्रा त्रिपाठी चांदौली से सांसद बनी। इसी के साथ ही नाती राजेशपति मिर्जापुर से MLC चुने गए। करीब 400 साल पहले मुगल काल में देवरिया के पिंडी गांव से त्रिपाठी परिवार काशी आया। यहां विद्वानों ने शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह को गैर हिंदू होने के नाते संस्कृत की शिक्षा नहीं दी। तब कमलापति के वंशज रहे रामानंद पति त्रिपाठी आगे आए और उन्होंने उन्हें शिक्षित किया। साल 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ। पंडित नारायण त्रिपाठी अधिवेशन में स्वागत समिति में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में आए। यही मालवीय जी से उनका संपर्क बढ़ा। इसके बाद 1920 में उनके पुत्र पंडित कमलापति त्रिपाठी भी पार्टी में शामिल हो गए। यहाँ पर राजनीतिक लोग, फिल्म से संबंधित लोग, बहुत से फिल्मकार, क्योंकि बनारस में बहुत से फिल्मकार हुए पूरब में, तो उनका ये गुरु घराना था। जिस समय कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कौन है, ऐसा कोई नेता नहीं रहा जो इस जोड़े पर नहीं आया। कमलापति की चौथी पीढ़ी के ललितेश पति मिर्जापुर की मड़ीहान सीट से साल 2012 में विधायक चुने गए लेकिन साल 2017 में हार गए। साल 2021 में कांग्रेस से दूरियां ऐसी बढ़ी कि परिवार ने कांग्रेस से नाता तोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब ललितेश पति के लिए सपा ने सीट छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। अब देखना होगा कि वो किस ओर जाते हैं। औरंगाबाद हाउस का कांग्रेस की राजनीति में और काशी की राजनीति में 116 वर्षों का सक्रिय इतिहास रहा है। पंडित कमलापति त्रिपाठी के पिताजी पंडित नारायणपति त्रिपाठी जी 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में सक्रिय रूप से राजनीति में सामने आए, जो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इसके बाद से लगातार वो कांग्रेस में सक्रिय रहे और बाद में कई पीढ़ियां उनकी इसमें शामिल होती गईं, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहें या समय और परिस्थिति का बदलाव कहें कि इस परिवार का नाता कांग्रेस पार्टी से 2022 के चुनाव में जो है वो ख़त्म हो गया है और परिवार में सक्रिय रूप से राजनीति में जो इनकी अभी की पीढ़ी ललितेश पति त्रिपाठी के रूप में है वो कांग्रेस से अलग होकर के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई है। अब आने वाला समय ये बताएगा कि इनका ये निर्णय इनके परिवार का जो गौरव है वो कितना उसको आगे ले जाता है। कैमरामैन नवनीत पाठक के साथ अशोक सिंह, दैनिक जागरण, वाराणसी।